स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किसी भी गूगल फॉर्म को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, उसकी कॉपी कैसे बना सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें गूगल फॉर्म को डुप्लीकेट करने की क्या जरूरत है। तो जैसे कभी आपने कोई गूगल फॉर्म अगर बना के रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि आप उस गूगल फॉर्म को वापस किसी और के साथ शेयर करें, बट आप चाहते हैं कि वो जो गूगल फॉर्म है उसकी जो रिस्पॉन्सेस है वो सेपरेट फाइल में जनरेट हो, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पहले रिस्पॉन्सेस को क्लियर कर दें और पुराने रिस्पॉन्सेस को डाउनलोड करने के बाद क्लियर कर दें, या फिर आप उन्हीं रिस्पॉन्सेस के साथ में अपने नए रिस्पॉन्सेस को ऐड होने दें, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने फॉर्म को डुप्लीकेट कर लें, जिससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है एज इट इज वर्क करेगा, बट उसके अंदर जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो स्टार्टिंग से न्यू इंसर्ट होंगे। तो जब आप अपने फॉर्म को डुप्लीकेट कर देंगे तो डुप्लीकेट करने के बाद उसके अंदर जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो नए तरीके से एंटर होंगे और आपको रिस्पॉन्सेज को अलग करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका जो पुराना फॉर्म है उसी की कॉपी आप डुप्लीकेट करके बना सकते हैं और इससे आपका जो काम है बहुत इजी हो जाएगा। आपको जो फॉर्म है वो पूरा का पूरा वापस नहीं बनाना पड़ेगा, आप उसे सीधे डुप्लीकेट करके उसके अंदर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप फॉर्म डुप्लीकेट कैसे कर सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। गूगल क्रोम में आपको उस अकाउंट से लॉग इन हो जाना है जिस अकाउंट में आपका फॉर्म पहले से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये जो 9 डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसे हम गूगल एप्स कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जिन्हें ये चीज नहीं पता है मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप गूगल फॉर्म को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ पे मोर फ्रॉम गूगल में जाके गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने मोर फ्रॉम गूगल करा, ठीक है। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल के सारे एप्स दिखाई दे जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म भी दिखाई दे जाएगा। मैंने यहाँ पे मेरा गूगल फॉर्म जो है वो ओपन करके रखा हुआ, ठीक है। तो ये मैं गूगल फॉर्म के सेक्शंस के अंदर आ गया हूँ, उसी आईडी से मैंने लॉगिन करा हुआ है जिस आईडी से मैंने जीमेल पे लॉगिन करा हुआ था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कोई फॉर्म है जो पहले से बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म जो पहले से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म है जो पहले से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को ये चीज नहीं पता है कि रिस्पॉन्सेज के साथ कैसे काम करा जाता है, तो ये रिस्पॉन्सेज का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं उसी के पास में आपको रिस्पॉन्सेज का सेक्शन मिल जाता है। यहां से आप रिस्पॉन्सेज को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म आपके पास सेफ रहे बट कोई भी उसे यूज ना कर पाए, तो आप यहां से एक्सेप्टिंग रिस्पांस जो है वो क्लोज कर सकते हैं, तो कोई भी आपके फॉर्म के अंदर नया रिस्पांस नहीं इंसर्ट कर पाएगा, ठीक है। सामने वाले को यहां पे मैसेज आ जाएगा, जो मैसेज आप यहां पे दिखाएंगे वो मैसेज सामने वाले को आ जाएगा, मैसेज फॉर रिस्पॉन्डेंट्स दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब आपको अगर रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड रिस्पॉन्सेज CSV करके आप सारे रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे फॉर्म को क्लियर कर दें तो आप यहाँ से डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज करने से पहले आपको अपने सारे रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड कर लेना है ताकि वो सेफ रहे, और जैसे ही आप डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज कर देंगे आपका जो फॉर्म है वो नई तरीके से पूरा एम्प्टी हो जाएगा और वापस से फ्रॉम द स्टार्टिंग वो एंट्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है जहां से आप रिस्पॉन्सेज को देख सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला था। अब यहां से आप बैक जाएंगे, फॉर्म्स होम यहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। यहां से आप बैक गए, देख सकते हैं यहां पे मेरा एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बना हुआ है। मान लीजिए मुझे इसी कॉन्टेक्ट फॉर्म को किसी दूसरे मीटिंग के लिए यूज करना है, किसी दूसरी क्लास के लिए यूज करना है, मैं पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो वापस से नहीं बनाऊंगा। मैं यहां पे ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहां पे आपको रीनेम, रिमूव और ओपन इन न्यू टैब का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। फॉर्म को जैसे ही आपने ओपन करा क्लिक करके, तो ये आपका जो पुराना फॉर्म है ये ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म को डुप्लीकेट करने का, ठीक है। इन 3 डॉट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मेक अ कॉपी, ठीक है। जैसे ही आप मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपको उसका नाम क्या रखना है, ठीक है, और कहाँ इसे बनाना है। मैंने यहाँ पे कर दिया है कॉन्टेक्ट फॉर्म 2, ठीक है, और इसे मैंने ओके कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये उन्हीं लोगों के साथ शेयर हो जाए जिनके साथ पुराना वाला फॉर्म शेयर हुआ था, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप इसे ओके कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने ओके करा, यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये देखिए ओपन हो गया नए नाम से कॉन्टेक्ट फॉर्म 2। अब आपका जो फॉर्म है यहाँ से ये सिंपली डुप्लीकेट हो गया है। अब बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम है, रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पे सेम उसी तरीके से दिखाई देंगे, क्योंकि ये फॉर्म उसका डुप्लीकेट हुआ, तो देखिए वो नॉट एक्सेप्टिंग था तो ये भी नॉट एक्सेप्टिंग है, इसको आपको ऑन कर देना है। जब आपके रिस्पॉन्डेंट्स इस फॉर्म को फिलअप कर दें तो आप यहाँ पे आके रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि आपको डाउनलोड रिस्पॉन्सेज करना है तो आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को ऑन और ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कॉपी करने का बता दिया है कि आप फॉर्म कॉपी कैसे कर सकते हैं। ये फॉर्म होम्स का बटन है, जब आप अपने फॉर्म को पूरी तरीके से क्रिएट कर लें आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ड्राइव पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आप बैक आने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे। अब जैसे ही आप बैक आएंगे, दोनों फॉर्म से जो है मैं बैक आ रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं बैक आऊंगा तो दोनों जगह आपको सेम चीज दिखाई देगी। यहाँ पे दो फॉर्म हो गए हैं, देखिए यहाँ पे भी दो फॉर्म हो गए, ठीक है। तो एक फॉर्म आपका 11/14 पे बना था जिसको आपने ओपन करा था, और इस फॉर्म को आपने 11/17 पे क्रिएट करके ओपन करा था, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्म को डुप्लीकेट कैसे करना है और उसकी क्या नीड हमें है और डुप्लीकेट करने की क्या जरूरत है वो मैंने आपको बता दिया है। इससे आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। आप एक ही फॉर्म को अलग अलग ग्रुप्स में भेज सकते हैं बिना ग्रुप्स के रिस्पॉन्सेस को मर्ज करें, ठीक है। दोनों ग्रुप्स के जो रिस्पॉन्सेस है वो सेपरेट आएंगे। आपने एक फॉर्म के ऊपर मेहनत करी है तो आपका दूसरा फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दोनों के जो रिस्पॉन्सेज है वो अलग अलग मिल जाएंगे। आप उन्हें इजिली शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ, ठीक है। तो दोस्तों छोटा सा ट्यूटोरियल था ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Stay safe, stay at home.